कारगिल में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहादत का जाम पीने वाले शहीद सैनिकों को अमृतसर में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर अमृतसर में एक संस्था के रविंद्र पाल सिंह ने कहा कि शहीद सैनिकों की वजह से आज कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के साथ ही सैनिकों को आतंकवादियों के भेस में कारगिल की घाटियों पर भेजा था। वहीं उनके मुताबिक आज इन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं तथा छात्रों को कसम दिलवाई गई है कि वे देश की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान देंगे। इसके अलावा बालटाल पर हुई घटना की उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि घटना के तुरंत बाद उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर अब्दुल्ला सरकार बर्खास्त करने की मांग की गई है। वहीं इस संस्था की ओर से आज मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। रविंदर पाल सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जी अभी कारगिल विजय दिवस के संबंध में अपने जो कारगिल शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने कैंडल मार्च कढ़िया। लोगों को यह मैसेज देना चाहवांगे कि जेडे साडे देश के जवान कारगिल की जंग च शहीद होए ने उन्हां नूं समर्पित जिहड़ा असीं अज कैंडल मार्च कढ़िया ते जिहड़ा विजय दिवस सी कारगिल दा साडे जवानों की शहादत तो बाद जिहड़ा सानूं मिलिया उन्हां नूं समर्पित अज यह दिवस असीं मना रहे हां अपनी संस्था वल्लों श्रद्धांजलि दिवस मना। शशिवीर शर्मा, यूथ प्रेसिडेंट, नेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। साडा जिहड़ा उपराला सीगा कारगिल दिवस इह मनाउण जा रहे सीगे। कारगिल दिवस के जिहड़े कैप्टन विक्रम बत्रा वर्गे जिहड़े जवान होए ने जिन्हें श्रद्धांजलियां दे के देश की कौम नूं रक्षा कीती है उन्होंने याद करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अज दिन दे असीं इत्थे कैंडल्स मार्च करके लोगों को संदेश दिता कि जो भी समा चल रहा है अज्ज दे टाइम दे उत्ते वध तों वध देश का साथ दिता जाए।